बिजली विभाग की लापरवाही ने जासुद्दीन की 80,000 भैंस को मारा तो ग्रामीणों ने प्रधान संघ उपखंड अधिकारी को बिजली घर पर घेरा। बिजली विभाग की लापरवाही ने खेत में चल रही भैंस की जान तो ग्रामीणों का गुस्सा पहुंच गया सातवें आसमान। ग्राम प्रधान यासिन खान को भैंस वाली घटना सुनाई तो सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधान को संग लेकर फरीदपुर बिजली घर की दौड़ लगाई। मामला जिला बरेली की तहसील फरीदपुर के गांव गोसगंज सराय का है। ग्रामवासी गयासुद्दीन विगत दिवस अन्य ग्रामीणों के साथ खेतों में चरा रहा था। भैंस की ऊपर से गुजर रहे बिजली के जर्जर तार गर्भवती भैंस पर टूट कर गिरा। करंट से तड़प कर दे दी भैंस ने जान, लेकिन बिजली विभाग बना है भैंस वाली घटना से अनजान। इससे पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, परंतु बिजली विभाग नकारा बना है कब से। गोसगंज ग्रामवासी जासुद्दीन की 80,000 भैंस ने जान गवाई तो ग्रामीणों ने फरीदपुर बिजली घर की दौड़ लगाई। उपखंड अधिकारी को लिया शिकंजे में, लेकिन गयासुद्दीन भैंस गवाने पर आ गया है सदमे में। कैसे होगी भैंस गवाने की भरपाई, जिस पर उपखंड अधिकारी ग्रामीणों को जवाब नहीं दे पाए। भाई उपखंड अधिकारी पर ग्रामीणों ने सवालों की कर डाली बोछार तो ग्रामीणों के गुस्से को देखकर बिजली घर में मचा हाहाकार। बिजली आए दिन होते हैं फॉल्ट तो कट जाती है लाइट। ग्राम प्रधान ने कई बार बिजली अधिकारियों को दिए हैं प्रार्थना पत्र, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। लेकिन अब ग्रामीणों ने कर दिया बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। ग्रामीणों के ऐलान से बिजली विभाग लगने लगा है परेशान। बोला करेंगे जर्जर तारों और छोटे ट्रांसफार्मर का हल, लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का बल। बिजली विभाग का घेराव करने वालों में ग्राम प्रधान यासिन खान, शहाबुद्दीन आफिस गजेंद्र, राजेंद्र शेरा, तहसील रजा, अनिल वाल्मीकि आदि लोग उपस्थित रहे। तहसील फरीदपुर संवाददाता सुबोध शर्मा की रिपोर्ट। जी, कौन नाम रहते हैं? क्या मामला है बताएं पूरा। हमारे यहाँ 4 महीने से लाइट नहीं मिल पा रही है। हमारा पूरा गांव गर्मी की वजह से बहुत परेशान है और अभी बीच में कई जानवर भी मर चुके हैं। एक भैंस तो कल ही मरी है। किस तरीके से? वो 11,000 की लाइन का तार बचा रही थी खेतों में, टूट गया उसके ऊपर। नहीं, लाइट क्यों नहीं जाती, क्या समस्या उसमें आ रही है? तार जड़ जाए मतलब बार बार टूट जाते हैं। इधर लाइन लगाते हैं 10 मिनट भी नहीं चल पाती, उसके बाद टूट जाते हैं। बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा क्या? बिजली विभाग वालों से बहुत शिकायत, कंप्लेंट आपकी है? हाँ, बहुत बार शिकायतें करी, कंप्लेंट भी की है, कोई लिखित में शिकायत की? हाँ, बहुत। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लाइट मुश्किल से 10 मिनट चलती है, फिर 12 घंटे बंद, फिर 12 घंटे बाद जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर 10 मिनट के बाद खराब हो जाता है। इसलिए आप लोगों को सबको इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ गया। हम लोगों को गाँव वाले बहुत परेशान हो गए, हमारे पास बार बार आ रहे थे, तो हमने कहा भाई आप बिजली घर चलो, हम हार चुके हैं। एसडीओ साहब क्या बोल रहे हैं? एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में जितना मैं कर रहा हूँ और धीरे धीरे हमने स्टूडेंट करा के दे दिया, वहाँ तक पास हो जाएगा तब हम तार बदलवा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।